स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शक्ति इंडिया व्लॉग्स पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है भाई 24 अक्टूबर और आज है होई माता का व्रत, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए रखा जाता है। और भाई अब तो भाई ये देखिए, होई से एक दिन पहले बनाए थे नमकीन चावल और आलू गोभी की सब्जी और साथ में पापड़। क्या कहने भाई, ये कॉम्बिनेशन वाकई में बहुत ही अच्छा है, ट्राई ज़रूर करना। तो भाई होई का पावन पर्व है, तो भाई देखिए मैंने अपना सिंगार का सामान और पीलिया और साड़ी जो भी मुझे पहननी है वो मैंने रेडी कर ली है और अब आपसे मिलती हूँ कुछ ही देर में रेडी होने के बाद। वही फाइनली आई एम रेडी, बस अपना पीलिया और लेना है और अब करते हैं कथा की तैयारी। आई होप आपको आज का लोग अच्छा लगेगा। तो भाई अब मम्मी और मैं हो गए हैं बिल्कुल रेडी और देखिए इस तरह से दो गोड़ रखी जाती है और उस पर मैंने सूट रख दिया है और अब मम्मी और मैं कर रहे हैं अहोई माता की कहानी। और भाई देखिए अब मम्मी जी कहानी सुनाने लग रही हैं और भाई यहाँ से हम ले लेते हैं हाथ में हरी दूब और चावल के कुछ दाने लिए जाते हैं और एक लोटा पानी का लिया जाता है और अब देखिए मम्मी जी सुनाएंगी कथा। नगर में एक साल का रहता है, उसके साथ बेटी उदान में सब आ गई थी और मनोन को गंगा जी बोल कर बैठी थी। फिर आपको डालिया पता पता चला जाना उसने मुझे को कही नहीं मजा आ गया। बड़ी बड़ी धन्य कहा तो भाई अब मम्मी और मैं देने जा रहे हैं सूरज को अर्घ देंगे और भाई शाम को, क्योंकि होई माता का व्रत बच्चों के लिए होता है और इसमें इस व्रत को तारों को देखकर खोला जाता है और अभी हम देने लग रहे हैं मम्मी बेटी सूरज को अर्घ दे पानी दे रहे हैं। इसके बाद भाई चाय बनाऊंगी, चाय पियेंगे और उसके बाद अपना हमने वो गुड़ की चाशनी मम्मी ने भिगो दी थी और शाम को बनाएंगे स्पेशल वाले पूरे, एकदम पूड़े बनाते हैं मम्मी अपने हाथ से बनाती है और हम सब बहुत ही मज़े से खाते हैं। देसी घी के पूड़े बनेंगे शाम को और उसका बायना निकलेगा आपको दिखाएंगे आगे आगे व्लॉग में, बने रहिए। और अभी मैंने चढ़ा दी है चाय और पहले पानी पी लूँगी फिर उसके बाद चाय पियेंगे सारे बैठ के। तो वही आपसे मिलती हूँ अभी थोड़ी ही देर में। तो भैया अब हो गया है शाम का टाइम और देखिए मम्मी जी बने घोल लिया था चून और पूड़े बनने लग रहे हैं। तो भाई देखिए पूड़े बन रहे हैं और मैं भी देखिए बिल्कुल तैयार हूँ। मम्मी ने कहा कि बनते ही पहले बायना निकाल दो और फिर भोग लगा दो ओही माता को और उसके बाद देखिए चलिए तारे। मम्मी कहती है एक बार तारे देखिए, तारे निकले हैं कि नहीं निकले हैं। तो भाई मैंने देख लिए हैं, तारे भी निकल चुके हैं, एक दो तारा दिखाई दे रहा था। तो भैया और देखिए मम्मी के हाथ की मम्मी बनाने लग रही है देसी घी वाले पूड़े। और भाई देखिए मैं भी इतना थाली तैयार कर लेती हूँ, आम का अचार मैंने निकाल लिया था सभी के लिए और अब चलते हैं भाई अपनी थाली तैयार करते हैं। और देखिए थाली मैंने निकाल दी है, सबसे पहले भोग लगा देती हूँ मंदिर में और होई माता को और फिर नहीं दे दूँगी मम्मी जी को। और तो
तो भाई अब सबने गर्मा गर्म खा लिए थे और मैं देने लग रही हूँ अब चल तारों को अर्घ देके। जब खाऊंगी और देखिए यहाँ पर शूट कर रहा है मेरा देवर और देखिए अब मैं दे रही हूँ तारों को अर्घ और जो भी अधिष्ठान बनता है घर में उसका भोग लगाया जाता है और भाई तारों को दिया जाता है ये जल। और भाई होली मैया ऐसे ही हर साल खुशी हमारे घर में बरसाती रहे और भाई सबके घर यूँ ही खिलखिलाते रहे, बच्चों से चहचहाते रहे। और भाई अब सभी ने खाना खा लिया है और मैंने भी बस चेंज कर दी। आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो इसी आशा के साथ